यस ओके सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुड़ जाइए भाई जल्दी से। आज अपना एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। एमएससी प्रीवियस का पहला क्लास है और इसके अंदर आपका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर इसमें आपको जस्ट एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है एंड सिलेबस क्या है ये आपको समझाया जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी की, आरयू की, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की। मैं यहाँ पे आज टॉपिक बोलूँगा, अदर यूनिवर्सिटी वाले या फिर अदर स्टेट की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब लोग अपने टॉपिक मैच कर लेना। अगर आपको लगता है कि यस इफेक्टिव है ये कोर्स, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एमएससी प्रीवियस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये फिजिक्स की बात हो रही है ओनली, तो इसमें आप चार सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है ना। पहला सब्जेक्ट आपका होगा क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। जो कि मैं आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसका सेकंड सब्जेक्ट आपके पास होगा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तीसरा सब्जेक्ट इसका होगा आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स। और इसका फोर्थ सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये लीजिएगा। तो कंप्लीट एमएससी प्रीवियस में अपन ये चार सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चार सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे एमएससी फिजिक्स के अंदर, ओके। इसके अंदर अब नेक्स्ट थ्योरेटिकल आता है पूरा, ये 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपके पास 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपके पास 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपके पास 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका मतलब जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 400 नंबर का होगा, 400 मार्क्स का। और प्रैक्टिकल होता है आपका 200 का। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, तो 600 में से आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 600, तो 600 में से आपका परसेंटेज निकल के आता है, ठीक है। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डेरिवेशन कैसे याद करनी है, थ्योरी कैसे याद करनी है, रटना नहीं है ना, चीज़ों को याद करना है, ठीक है। किस तरह से समझना है वो मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से एग्ज़ाम में लिख के आना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप आराम से अपना परसेंटेज 80+ आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बस जो कंटेंट आपको मिलेगा उसको आप रेगुलर वे में रिवाइज करते रहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 600 मार्क्स का होगा। यस, नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कीजिएगा इसको।
हो गया। देखिए अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, आरयू की बात कर रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आरयू के अंदर एक पेपर में है ना, एक सब्जेक्ट में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन वाइज पेपर आता है, दो अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है आपके पास में सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास में 5 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में भी आपके पास में 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे और आप क्या कर सकते हैं उन 10 क्वेश्चंस में से, आप क्या कर सकते हैं, दो क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर 3 यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, 10 में से आपको 5 करने होंगे, दो सेक्शंस होंगे, ईच सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चंस, ओके। तो पहले सेक्शन में आपको अगर दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ से आपको 3 करने होंगे, अगर यहाँ से 3 करते हो यहाँ से 2 करने होंगे। मीन ये हुआ, मतलब ये हुआ कि मिनिमम नंबर आपको, मिनिमम क्वेश्चंस आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं ईच सेक्शन से, ठीक है। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया तो 20 × 5 100 मार्क्स का, तो एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये पैटर्न होता है, पढ़ने से पहले इस पैटर्न को दिमाग में बिठा लेना, समझ लेना कि आपके पास में दो सेक्शंस होते हैं, पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चंस, दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चंस, पहले सेक्शन में अगर आप 3 करते हैं तो दूसरे में 2 अटेम्प्ट करने होंगे, पहले में 2 करते हैं दूसरे में 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसा नहीं होगा इसमें 4 कर रहे हैं इसमें 1 कर रहे हैं, या इसमें 1 कर रहे हैं इसमें 4 कर रहे हैं, या 5 एक में से कर रहे हैं, फिर आपके ओनली 3 क्वेश्चंस चेक होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी, अब जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनमें हो सकता है आपके पास यूनिट वाइज हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपके पास में, जैसे मान लो यूनिट फर्स्ट, पहला यूनिट आपके पास है, ठीक है, तो पहला यूनिट में आपके पास क्या होगा, पहले यूनिट में 1 क्वेश्चन होगा और करके दूसरा क्वेश्चन होगा, मतलब दोनों में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपके पास क्या होगा, 1 क्वेश्चन होगा और करके दूसरा क्वेश्चन होगा, ऐसे यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा। तो टोटल तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन होंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें से भी दोनों में से एक करना होगा, सेकेंड यूनिट में दोनों में से एक करना होगा, थर्ड यूनिट में दोनों में से एक करना होगा, इस तरह से आपके पास होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह से हैं। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके क्या चलता है, तुम्हारे पास में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे तुम्हारे पास में वहाँ पे चलता होगा सेमेस्टर वाइज, ठीक है, मतलब सेमेस्टर वाइज चलता होगा, देखना है यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैक्स टू मैक्स सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एमएससी प्रीवियस पूरा है, पूरा एमएससी प्रीवियस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी, ठीक है ना। आप टॉपिक मैच करके देख लेना भले ही, है ना, आप टॉपिक मैच करेंगे तो आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मिटा दूं, देखिए अब सब्जेक्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट फर्स्ट जो कि आपके पास है, लिख लो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स,
मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, अपन क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में मैं आपको लिखता हूँ सेक्शन ए, सेक्शन ए, आप चाहो तो इसको यूनिट वाइज भी कर सकते हो। देखो सेक्शन ए में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंस्टेंट, कंस्टेंट्स, ठीक है। अब कंस्टेंट में अपन पढ़ेंगे होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक, बिल्कुल आसान है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डिलम्बर्ट प्रिंसिपल, डिलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लाग्रांजियन, लाग्रांजियन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लाग्रांज इक्वेशन या लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद में वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल इन, पोटेंशियल इन लाग्रांजियन फॉर्मूलेशन, लाग्रांजियन फॉर्मूलेशन। जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम, लेजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। वैसे यहां तक दो यूनिट कवर हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है, ये नोट कीजिए। सेकेंड पार्ट लिखिए इसका, सेकेंड पार्ट लिखेंगे, सेकेंड पार्ट है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ऑफ वेरिएशंस एंड, वेरिएशंस एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन टू सिंपल प्रॉब्लम, टू सिंपल प्रॉब्लम। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके, डेरिवेशन ऑफ लाग्रांज एंड हैमिल्टोनियन, डेरिवेशन ऑफ लाग्रांज एंड हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर, देखिए ये नोट कर लो एक बार, ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो भी मैं टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स CSIR नेट के एग्जाम में है, सिलेबस के अंदर है, गेट के सिलेबस में है, जेस्ट के सिलेबस में है। तो अगर अपन यहाँ से ही इनको अच्छे से बेसिक से पढ़ लेंगे तो आपको आगे नेट गेट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, तो अपन वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, स्टार्टिंग अपन कंस्टेंट से नहीं करेंगे, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम से करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसके बाद में अपन कंस्टेंट में आएंगे धीरे धीरे। फिर डिलंबर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या जनरलाइज कोऑर्डिनेट मतलब ओनली पोजीशन होता है या मोमेंटम भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो सब अपन देखेंगे। लाग्रांजियन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, जब न्यूटोनियन ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो लाग्रांजियन पढ़ ही क्यों रहे हैं, वो सब चीज़ अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखो ये सेक्शन ए ही आपका चल रहा है अभी, ठीक है, सेक्शन ए ही चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका सेक्शन ए था ना, सेक्शन ए, ठीक है। तो आपका हो गया कैनोनिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लिखिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फ्रॉम, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फ्रॉम या फॉर नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन होलोनॉमिक सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन होलोनॉमिक सिस्टम, नॉन होलोनॉमिक सिस्टम, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीपल, मेथड ऑफ लाग्रांज, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड नोदर थ्योरम, थ्योरम, नोदर थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एज ए कंसिक्वेंस ऑफ, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास है, बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है ना, टफ नहीं है इसमें, है ना, टफ कुछ भी नहीं है, आसान टॉपिक है। बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना, आपके एप्लीकेशन पे चेक कर लेना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी सिलेबस की। ये नोट हो गया होगा, थर्ड पॉइंट लिख लो, थर्ड, ये अभी सेक्शन ए ही चल रहा है, ध्यान रखना ना भाई, सेक्शन ए ही चल रहा है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल बिल्कुल आसान है, यहां से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इंटीग्रल इन वेरिएंट्स ऑफ, देखो लाग्रांज एन, ऐसे लिख लो लाग्रांज, लाग्रांज एंड पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट, लाग्रांजियन एंड पॉइजन ब्रैकेट, इक्वेशन ऑफ मोशन इन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइजन ब्रैकेट फॉर्मूलेशन, पॉइजन
ब्रैकेट फॉर्मूलेशन इनफिनिटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनफिनिटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ल्यूविली थ्योरम थ्योरम हैमिल्टन्स जैकोब इक्वेशन हैमिल्टन्स जैकोबी इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है. ये सब सेक्शन ए में है. फोर्थ नंबर लिखिए. फोर्थ नंबर लिखेंगे एक्शन एंगल. एक्शन एंगल वेरिएबल्स एडियाबेटिक. ठीक है. नेक्स्ट लिखो द केपलर. द केपलर प्रॉब्लम इन एक्शन एंगल वेरिएबल. एक्शन एंगल वेरिएबल थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन. थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन small oscillation normal coordinates and its application and its application orthogonal transformation orthogonal transformation Aldrian angle Euler theorem Euler equation force free motion of rigid body force free motion of a rigid body ye lijiye bhai. note kijiye isko. to ye pura part aapke paas mein section a ka hai. theek hai. aur section b mein aapka generally mathematical physics aayega group theory लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके इन्वर्स भी होंगे इन्वर्स लैपलास इन्वर्स फूरियर और एक होगा आपके पास में टेंसर. ठीक है. मेनली आपके पास ये होगा और बाकी डिटेल मैं आपको लिखवा रहा हूँ. ठीक है. तो ये जल्दी से नोट कीजिए. नेक्स्ट लिखिए सेक्शन बी. सेक्शन बी. सेक्शन बी में लिखो ये चार हो गए यहां पे. फिफ्थ नंबर करके लिखिए. फिफ्थ नंबर करके लिखिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. कोऑर्डिनेट
ट्रांसफॉर्मेशन इन एन डायमेंशनल स्पेस, इन एन डायमेंशनल स्पेस कॉन्ट्रावेरियंट एंड कोवेरियंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरियंट एंड कोवेरियंट टेंसर। टेंसर से बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है भैया ना, इस तरह से पढ़ेंगे सबसे आसान आपको ये चैप्टर लगेगा, ठीक है। जैकोबियन, जैकोबियन रिलेटिव टेंसर, रिलेटिव टेंसर, स्यूडो टेंसर, स्यूडो टेंसर, एलजेब्रा ऑफ टेंसर, एलजेब्रा ऑफ टेंसर, मैट्रिक्स टेंसर, मैट्रिक्स टेंसर, रेमानियन स्पेस, स्पेस क्रिस्टोफल सिंगल, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, कोवेरियंट डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन रिकी थ्योरम, रिकी थ्योरम डाइवर्जेंस कर्ल एंड लाप्लासियन इन टेंसर फॉर्म, डाइवर्जेंस कर्ल एंड लाप्लासियन इन टेंसर फॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेंसर, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टेंसर, ठीक है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इन टेंसर फॉर्म, लोरेंज कोवेरियंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, लोरेंज कोवेरियंस इन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, ये आपका मेनली रहेगा। ठीक है, देखो तुम्हें तो 5 क्वेश्चंस करने हैं ना, बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी अपन मैक्सिमम कवर करवाएंगे। 6th नंबर लिखो, 6th आपका है पूरा ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। तो देखो भाई 6th मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ग्रुप थ्योरी, इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 7th नंबर आपका जो होगा वो होगा आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन, और 8th नंबर लिखेंगे इसके अंदर। अब मैं ये डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी टॉपिक आपके पास ये रहेंगे। 8th होगा आपके पास में लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन,
एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपके पास टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सेक्शन बी के अंदर आएंगे। अब इसमें लाप्लास से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे अपन, है ना, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। फूरियर सीरीज से या फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें फूरियर सीरीज भी आ गई भैया ना, इसमें फूरियर सीरीज भी आ गई, ध्यान रखना फूरियर सीरीज। तो ये आपका मेनली सिलेबस है, पहली सब्जेक्ट दैट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, ठीक है। टॉपिक लगभग सारे कवर करेंगे, आपके क्वेश्चंस 5 की जगह 8-9 क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिन्होंने बीएससी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एमएससी आपको सबको समझ में आएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, लगभग सभी आते हैं, हम भी हिंदी मीडियम से ही एमएससी में गए थे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको यहाँ पे, है ना। इस तरह से समझाया जाएगा कि आपको इंग्लिश भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, कल अपन पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंस्ट्रेंट, है ना। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो से, डिटेल से, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। अगर एग्ज़ाम में आपको याद भी नहीं रहता है, समझोगे तो आप उसको लिख भी सकते हो फिर, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी तुम्हें और बाकी किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी को डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।